So last time you said that units can be classified into two types, basic or fundamental unit and derived units. और यूनिट्स के चार प्रकार की सिस्टम्स हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में तीन ही बेसिक यूनिट है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस सिस्टम में तीन बेसिक यूनिट्स है, फुट, पाउंड और सेकंड। एमकेएस सिस्टम में भी तीन ही फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स है, दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और जो ऐसा सिस्टम है उसमें सेवन बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एम, उसका सिंबल एब्रिविएशन स्मॉल एम, डिस्टेंस का एम, मास का किलोग्राम केजी, टाइम का सेकंड स्मॉल एस, टेम्परेचर का केल्विन denoted by capital letter K. उसके बाद में करंट का एम्पियर denoted by capital letter A. luminous intensity का candle light, उसका abbreviation CD, capital C, small d. और amount of matter, amount of substance का unit है mole, उसका पूरा spelling MOLE है, लेकिन उसका एम एब्रीवेशन लिखते वक्त उसको एम ओ एल लिखना। ये सेवन बेसिक या फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं, और बाकी की जो क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स इन बेसिक यूनिट पर से डिराइव किए हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वेयर, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो फोर्स का ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको एक नाम दिया है दैट इज न्यूटन। प्रेशर इज गिवन बाय फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको भी एक नाम दिया है दैट इज पास्कल। एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल, एनर्जी या वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, पावर का ऐसा यूनिट है वैट, वैट यानी जूल पर सेकंड, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके यूनिट्स बेसिक यूनिट पर से डिराइव किए। जैसे मान लो डेंसिटी हो गए, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय उतने सब्सटेंस का वॉल्यूम एंड उस सब्सटेंस की डेंसिटी। मास का यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम, इसको ऊपर ले लेना -3 लिखना, और पढ़ते वक्त उसको माइनस साइन अगर रही, इंडेक्स अगर माइनस रहा तो उसको पर पढ़ना, तो इसको इस प्रकार से पढ़ने का है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट फॉर डेंसिटी। तो ये हो गए डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल्स, और ये सेवन बेसिक यूनिट्स के एग्जांपल्स, ये सभी के सभी एसआई यूनिट्स है, और ये सभी एसआई यूनिट्स आपको ध्यान में रखने के है, क्योंकि जब कभी भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 11th में भी और 12th में भी, तब अपने को यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा, कोई भी क्वांटिटी कोई भी यूनिट में एक्सप्रेस करने से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला में अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज है तो वो क्वांटिटीज कौन से यूनिट में
यूज करने के बाद में अपने को आंसर कौन से यूनिट में मिलेगा इसके अपने को जानकारी होनी चाहिए. इसलिए ये सभी यूनिट ध्यान में रखना. ये तो ऐसा यूनिट से इसके साथ साथ में सीजीएस यूनिट भी ध्यान में रखना. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये सीजीएस यूनिट है. ये पीएस सिस्टम का अपने को कुछ काम पड़ने वाला नहीं है. अपने को ज्यादा से ज्यादा काम ऐसा सिस्टम का पढ़ना पड़ेगा और कभी कभी अपने को काम सीजीएस सिस्टम का भी पढ़ सकता है. कभी कभी अपन क्वांटिटी सीजीएस यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और कभी ऐसा यूनिट में. तो ये हो गए बेसिक और फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स. अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी ध्यान में रखना. फिजिकल क्वांटिटी यानी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी. ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है. जो फिजिकल प्रॉपर्टी अपन मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली वो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल क्वांटिटी. और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हर बार ऐसा यूनिट में ही एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है. न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अपने को जनरली ऐसा सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी. लेकिन डेली यूज में हर बार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में ही एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है. अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन लेंगे. जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर. लेकिन हर बार डिस्टेंस मीटर में ही एक्सप्रेस करना चाहिए या हर बार डिस्टेंस मीटर में ही एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट रहेगा ऐसा कंपलसरी नहीं. अब जैसे मान लो इन दो पॉइंट पे का डिस्टेंस अपने को एक्सप्रेस करने का है. तो ये जो दो पॉइंट्स है इन दो पॉइंट पे का डिस्टेंस अपन मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस मीटर में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट नहीं रहेगा. क्योंकि मीटर ये ऐसा यूनिट है लेकिन बड़ा यूनिट है. और मीटर के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत ही कम है. यूनिट बड़ा है मीटर और उसके कंपैरिजन में ये जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस ये डिस्टेंस उस यूनिट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है. इसलिए ये डिस्टेंस यहाँ पर मीटर में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट नहीं है. ये डिस्टेंस अपने को एक तो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. सेंटीमीटर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है सीजीएस यूनिट है मीटर से स्मॉलर है. और ये डिस्टेंस भी स्मॉलर होने की वजह से ये डिस्टेंस एक तो अपने को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. नहीं तो उससे भी स्मॉलर यूनिट है मिलीमीटर स्केल पर दिया रहता. अब जैसे ये दो जो पॉइंट्स है इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस सेंटीमीटर में 1 आएगा. ये डिस्टेंस मिलीमीटर में 10 आएगा. ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस अपन मीटर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ये डिस्टेंस भी अपन मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन ये डिस्टेंस अगर अपन ने मीटर में एक्सप्रेस किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम आएंगे. क्योंकि डिस्टेंस कम है और यूनिट बड़ा है. और ये जो डिस्टेंस है ये अगर अपन ने मीटर में एक्सप्रेस किया तो उसकी वैल्यू 0.01 मीटर आएगी. अब 0.01 ये लिखना इनकन्वीनियंट है. उसके बजाय 1 लिखना या 10 लिखना कन्वीनियंट है. तो यहाँ पर डिस्टेंस स्मॉलर होने की वजह से ये डिस्टेंस मीटर के बजाय मीटर से स्मॉलर यूनिट यानी सेंटीमीटर या मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट रहेगा. दूसरा एग्जांपल मान लो अब तक अकोला और बॉम्बे इन दो सिटीज में का डिस्टेंस एक्सप्रेस करने का है. अब ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो मीटर है. लेकिन मीटर यानी एक मीटर की मीटर स्केल इतनी बड़ी रहती और मीटर के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. और मीटर ये जो ऐसा यूनिट है उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये डिस्टेंस मीटर में एक्सप्रेस करना इनकन्वीनियंट है.
ये डिस्टेंस मीटर में अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। ये डिस्टेंस अपन मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस अगर अपन ने मीटर में एक्सप्रेस किया तो उसकी वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि मीटर ये स्मॉलर यूनिट है और उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और ये डिस्टेंस अगर अपन ने मीटर में यहां पर एक्सप्रेस किया तो इसकी वैल्यू सिक्स लैक आएंगी, यानी सिक्स इंटू टेन टू द पावर फाइव मीटर आएंगी। ये डिस्टेंस अगर अपन ने मीटर में एक्सप्रेस किया जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का, तो इस यूनिट में इस डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा आएंगी, सिक्स लैक आएंगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में मीटर ये जो ऐसा यूनिट है ये स्मॉलर है। तो यहां पर अपने को मीटर से बिगर यूनिट यूज करना पड़ेगा, और मीटर से बिगर यूनिट है किलोमीटर, मीटर से बिगर यूनिट है किलोमीटर। और ये डिस्टेंस अगर अपन ने किलोमीटर में एक्सप्रेस किया तो इसकी वैल्यू आएगी 600 किलोमीटर। अब 600 लिखना कन्वीनियंट है, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखना इनकन्वीनियंट। तो यहां पर डिस्टेंस स्मॉलर है, मीटर ही यूनिट बड़ा है, तो यहां पर मीटर से अपने को स्मॉलर यूनिट यूज करने का है, दैट इज सेंटीमीटर या मिलीमीटर। यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है और ये जो यूनिट है मीटर ये उसके कंपैरिजन में छोटा पड़ता है, इसमें अगर अपन ने डिस्टेंस एक्सप्रेस किया तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएंगी। तो यहां पर अपने को मीटर से बड़ा यूनिट यूज करना पड़ेगा, दैट इज किलोमीटर। और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। कहने का मतलब हर बार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में ही एक्सप्रेस करना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट ही रहेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कभी कभी अपने को ऐसा यूनिट से स्मॉलर यूनिट का यूज करना पड़ेगा, या कभी कभी अपने को ऐसा यूनिट से बिगर यूनिट का यूज करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने को देते आएंगे। तो जिस प्रकार की क्वांटिटी रहेंगी उस प्रकार की, उस प्रकार का यूनिट अपने को यूज करना पड़ेगा, तो वो कन्वीनियंट रहेगा। जैसे स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट भी स्मॉलर यूज करना, जैसे यहां पर सेंटीमीटर या मिलीमीटर। और बिगर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये बिगर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए बिगर यूनिट अपने को यूज करना पड़ेगा, दैट इज किलोमीटर। तो हर बार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट में ही एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट रहेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कभी अपने को ऐसा यूनिट से स्मॉलर यूनिट का यूज करना पड़ेगा, कभी अपने को ऐसा यूनिट से बिगर यूनिट का भी यूज करना पड़ सकता है। तो कोई भी यूनिट ऐसा यूनिट का स्मॉलर यूनिट में, या कोई भी ऐसा यूनिट का या दूसरे कोई भी यूनिट का बिगर यूनिट में कन्वर्शन कैसे करना, उसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस दिए है और उनके मल्टीपल्स दिए है। और ये जो टेबल अभी अपन लेने वाले हैं, ये टेबल आपको ध्यान में रखने का है। तो कोई भी यूनिट का दूसरे कोई भी यूनिट में कन्वर्शन करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अब जैसे ऐसा यूनिट का अगर अपने को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्शन करने का है, तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस दिए हैं और उनके मल्टीपल्स दिए हैं। ऐसा यूनिट का अगर अपने को बिगर यूनिट में कन्वर्शन करने का है, तो उसके लिए भी कुछ प्रीफिक्सेस दिए हैं और उनके कुछ मल्टीपल्स दिए। अब प्रीफिक्सेस यानी क्या, मल्टीपल्स यानी क्या, ये बात समझ में आ जाएंगी जब अपन एग्जाम्पल लेंगे तब। यहां पर अपन लिखेंगे प्रीफिक्सेस, यहां पर अपन लिखेंगे दूसरे कॉलम में उन प्रीफिक्सेस के सिंबल्स, और यहां पर लिखेंगे अपन उन प्रीफिक्सेस का मल्टीपल। एग्जाम्पल लेने के बाद में आपको समझ में आएगा।
अब जैसा एक प्रीफिक्स है डेसी, जैसा मीटर के पहले डेसी लगा दिया तो ये नया यूनिट होगा डेसी मीटर, ग्राम के पहले डेसी लगा दिया तो डेसी ग्राम, ये भी मास का नया यूनिट होगा। तो कोई भी यूनिट के पहले डेसी लगा दिया तो नया यूनिट बन जाएगा। यूनिट के पहले जो अपने को लगाने का है वो प्रीफिक्स, और हर बार वो प्रीफिक्स पूरा लिखना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, उसका एक सिंबल रहेगा, और वो जो प्रीफिक्स है या वो जो सिंबल है उसका मल्टीपल कितना ये भी अपने को ध्यान में रखने का है। अब डेसी ये जो प्रीफिक्स है इसका सिंबल है स्मॉल डी, डेसी ये जो प्रीफिक्स है इसका सिंबल है स्मॉल डी, और इसका मल्टीपल है 10^-1, यानी 1 × 10^-1, यानी 1/10, यानी 0.01। लेकिन ऐसा या ऐसा लिखने के बजाय अपन ऐसा लिखेंगे। अब ये ध्यान में रखना कि डेसी ये प्रीफिक्स है, उसका सिंबल डी है, और उसका मल्टीपल 10^-1 है। अब कोई भी यूनिट के पहले अपन डीसी लगा सकते हैं। अब जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर स्मॉल एम, और उसके पहले अपन ने प्रीफिक्स लगा दिया डीसी, तो ये नया यूनिट बन गया डिस्टेंस का नया यूनिट। ये सीजीएस यूनिट भी नहीं है, ये ऐसा यूनिट भी नहीं है, ये अलग ही यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है डीसी मीटर। अब डेसी मीटर और मीटर में का रिलेशन क्या, यह आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, डेसी का मल्टीपल ध्यान में रखना। यहां पर 1 लिख देना, 1 decimeter इक्वल टू ये 1 as it is, और डेसी के बजाय मल्टीपल लिखना 10^-1, और आगे लिखना मीटर। ये होगा डेसी मीटर और मीटर इन दो यूनिट्स में का रिलेशनशिप। मीटर ऐसा यूनिट है, डेसीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन अपन यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए डेसीमीटर। और इन दो यूनिट्स में का रिलेशनशिप ध्यान में रखना कि 1 decimeter इक्वल टू 1 × 10^-1 मीटर, लेकिन ये आपको रटने की आवश्यकता है, रिमेम्बर करने की आवश्यकता है, सिर्फ डेसी का मल्टीपल ध्यान में रखने का है। डेसी यानी 10^-1, तो 1 decimeter इक्वल टू, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, डेसी के बजाय 10^-1 लिखना, तो 1 decimeter इक्वल टू 10^-1 मीटर। अब दूसरा एक प्रीफिक्स अपन लेंगे सेंटी, सेंटी इसका सिंबल है स्मॉल सी, इसका सिंबल स्मॉल सी, और इसका जो मल्टीपल है ये है 10^-2। कोई भी यूनिट के पहले सेंटी लगा सकते हैं अपन। फिर से अपन डिस्टेंस का ऐसा यूनिट लेंगे मीटर, और मीटर के पहले प्रीफिक्स लगा दिया मान लो सेंटी, सेंटी लिखने का काम नहीं, स्मॉल सी लिखना, मीटर के पहले स्मॉल सी लिखना, तो ये बन गया नया यूनिट, ये सीजीएस यूनिट है डिस्टेंस का, सेंटीमीटर, डिस्टेंस का मीटर से स्मॉलर यूनिट है सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और मीटर में का रिलेशनशिप, यहां पर मीटर को अपन ने प्रीफिक्स लगा दिया सेंटी, अब यहां पर 1 लिखना, और सेंटी का मल्टीपल लिखना 10^-2, सिंपली 10^-2 लिखा तो भी चलता, या उसको भी 1 लगा दिया तो भी चलता। 1 centimeter इक्वल टू 1 × 10^-2 मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर और मीटर में का रिलेशनशिप। ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सेंटी का मतलब 10^-2 ध्यान में रखना, मीटर के पहले सेंटी लगा दिया, यहाँ पर 1 लिखना,
और इधर सेंटी के बजाय उसका मल्टीपल लिखना 10^-2, तो 1 cm इक्वल टू 1 × 10^-2 मीटर। यानी सेंटीमीटर का अगर अपने को मीटर में कन्वर्शन करने का है तो उसको 10^-2 से मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 cm इक्वल टू 1 × 10^-2 मीटर, तो 5 cm अगर डिस्टेंस है तो उसका मीटर में कन्वर्शन ऐसे होगा 5 × 10^-2 मीटर। इसके उल्टा भी कर सकते हैं, पर देखिए उसके उल्टा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, ये ध्यान में रखना 1 cm इक्वल टू 1 × 10^-2 मीटर। अब मान लो 10^-2 अपन ने लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ले लिया, तो यहां पर क्या आएगा 1/10^-2 सेंटीमीटर, 1/10^-2 सेंटीमीटर। उसको ऊपर ले लेना 1 × 10^+2 सेंटीमीटर, ये पहले नीचे और बाद में ऊपर, नीचे लिया तो एज इट इज, ऊपर लिया तो साइन चेंज हो जाएगी, तो 1 × 10^+2 आएगा पर सेंटीमीटर इक्वल टू यहां पर बचेगा 1 मीटर, और 1 × 10^2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10^2 है 100। और ये अपने डेली यूज में का रिलेशनशिप है, अपने को मालूम है 1 मीटर इक्वल टू 100 cm होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 cm। यहां पर सेंटी ये प्रीफिक्स है, मीटर के पहले सेंटी लगा दिया, तो मीटर के पहले अगर सेंटी लगा दिया उसका मल्टीपल आएगा 10^-2, तो 1 cm इक्वल टू 1 × 10^-2 मीटर। और बाद में मीटर का अगर सेंटीमीटर में कन्वर्शन करने का रहा तो उल्टा करना, ये 10^-2 पहले नीचे लेना फिर ऊपर ले लेना, वो प्लस हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 1 × 10^2 सेंटीमीटर। अब तीसरा प्रीफिक्स है मिली, मिली का सिंबल है स्मॉल यम, और इसका मल्टीपल है 10^-3 या 1 × 10^-3 स्मॉल यम, ये लेकिन प्रीफिक्स है, या स्मॉल यम का मतलब मीटर नहीं, मीटर के पहले स्मॉल यम लगा सकते हैं, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, और मीटर के पहले मिली लगा दिया अपन ने स्मॉल यम, तो ये वो बन गया मिलीमीटर, मिलीमीटर, मीटर के पहले मिली यानी मिलीमीटर, लीटर के पहले मिली यानी मिलीलीटर। मिली का मल्टीपल है 10^-3, तो यम यम पहला यम जो है ये प्रीफिक्स है, उसका मतलब मिली होता है, और दूसरा जो यम है ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, उसका मतलब मीटर, और इस यूनिट ये नया यूनिट बन गया, इसका नाम है मिली मीटर। अब यहाँ पर 1 लिखना इक्वल टू ये जो मिली है इसके बजाय 10^-3 लिखना, 1 लगा दिया तो भी चलेगा, और आगे मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 × 10^-3 मीटर। तो मिलीमीटर का अगर मीटर में कन्वर्शन करने का है तो उसको 10^-3 से मल्टीप्लाई करना, जैसे 5 मिलीमीटर आपने को मीटर में कन्वर्शन करने का है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, 5 × 10^-3 मीटर। अब मीटर का अगर मिलीमीटर में कन्वर्शन करने का रहा तो फिर क्या करना, ये 10^-3 नीचे लेंगे अपन, वो जैसे है वैसे रहेगा, नीचे लेने के बाद में क्रॉस में आएगा 10^-3 नीचे, फिर ऊपर लिया तो प्लस हो जाएगा, तो 1 × 10^3 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर।
और 1 × 10⁻³ = 1000, तो 1 मिलीमीटर यानी 1000 मिलीमीटर। लेकिन ये दोनों रिलेशनशिप एक साथ में ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो फिर आपका टाइम पर कंफ्यूजन होगा। आपने सिर्फ इतना ही ध्यान में रखा, मिली का मल्टीपल है 10⁻³, तो 1 मिलीमीटर = 10⁻³ मीटर, फिर लगे तो मीटर का कन्वर्शन मिलीमीटर में टाइम पर भी अपन कर सकते होगा। मिली माइक्रो, माइक्रो का सिंबल है म्यू और इसका मल्टीपल है 10⁻⁶। फिर से अपन एग्जांपल लेंगे डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर, उसके पहले माइक्रो लगा दिया तो डिस्टेंस का ये छोटा यूनिट तैयार होगा माइक्रोमीटर। ये सभी स्मॉलर यूनिट है मीटर से, यहां पर 1 लिखना इक्वल टू ये 1 एज इट इज। माइक्रो का मल्टीपल है 10⁻⁶ और उसके आगे मीटर, तो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ मीटर। और फिर 1 मीटर इक्वल टू इधर नीचे और बाकी ऊपर लिया तो 10⁻⁶ आएगा, तो 1 मीटर इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। लेकिन ये ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, ये ध्यान में रखना 1 माइक्रोमीटर = 10⁻⁶ मीटर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, उससे स्मॉलर यूनिट है डेसीमीटर, उससे स्मॉलर यूनिट है सेंटीमीटर, उससे स्मॉलर यूनिट है मिलीमीटर, उससे स्मॉलर यूनिट है माइक्रोमीटर। अब लेंगे अपन नैनो, नैनो का सिंबल है स्मॉल एन और इसका मल्टीपल है 10⁻⁹। कोई भी यूनिट के पहले नैनो लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं मीटर के पहले लगाना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं। अपन एग्जांपल ले रहे समझने के लिए, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, उसके पहले लगा दिया नैनो तो ये बन गया नैनोमीटर। नैनोमीटर ये डिस्टेंस का इससे भी स्मॉलर यूनिट है, यहां पर 1 लिख देना इक्वल टू ये 1 एज इट इज लिखना, नैनो का मल्टीपल लिखना 10⁻⁹ और आगे लिखना मीटर। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर, 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर। और ये आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अगर ये प्रीफिक्सेस और उनके मल्टीपल अगर अपने ध्यान में रखे, डेसी का मतलब 10⁻⁻, सेंटी का मतलब 10⁻⁻², मिली का मतलब 10⁻⁻³, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁹, तो ऐसा अगर अपने ध्यान में रखना तो अपने को अलग अलग यूनिट में रिलेशनशिप रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इससे भी स्मॉलर है पीको, ऐसे बहुत सारे हैं, अपन समझने के लिए से कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। पीको, पीको का सिंबल है स्मॉल पी और उसका मल्टीपल है 10⁻²। पीको का सिंबल है स्मॉल पी और उसका मल्टीपल है 10⁻²। अब मीटर जो पहले पी लगा दिया पिकोमीटर हो गया, पिकोमीटर यहां पर 1 लिखा, 1 × पिको के बजाय 10⁻², लिखा और बाद में मीटर, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 1 × 10⁻²। और 1 मीटर के इक्वल टू इधर प्लस हो जाएगा, 1 मीटर के इक्वल टू 1 × 10⁻²। तो कोई भी यूनिट से
अगर आपके पास स्मार्टर यूनिट तैयार करने के लिए तो उस यूनिट के पहले ये प्रीफिक्सेस लगा सकते हो और ये बनते हैं मल्टीपल्स है डीसी तो मल्टीपल है 10^-1, 17, 10^-2, मिली 10^-3, माइक्रो 10^-6, नैनो 10^-9, पीको 10^-12 और बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्सेस और उनके मल्टीपल्स बुक में दिए हैं वो देख लेना लेकिन इतने मल्टीपल्स का अपने को काम करने वाला नहीं जनरल डिजिन मल्टीपल्स का जिन प्रीफिक्सेस का अपने को आगे अपने को काम करने वाला है वो अपन ने लिए आप ऐसा यूनिट का अगर बिगर यूनिट में कन्वर्शन करने जा रहा है तो उसके लिए भी प्रीफिक्सेस है जैसा पहला प्रीफिक्स है जे क्या उसका सिंबल है डी ए और उसका मल्टीपल है 10^1 यानी 10 कोई भी यूनिट के पहले अपन जे क्या लगा सकते अब जैसा फिर से मीटर के पहले जे क्या लगा दिया तो ये बन गया डेकामीटर ये डिस्टेंस का मीटर से बड़ा यूनिट है यहां पर 1 लिखना और डेका के बजाय 10^1 या 10 ही लिखना 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर ये हो गया रिलेशन हेक्टो इसका सिंबल है यच और इसका मल्टीपल है 10^2 यानी 100 अब मीटर के पहले यच लगा दिया तो ये हो गया हेक्टोमीटर यहां पर 1 लिखना हेक्टो के लिए 10^2 या 100 लिखना और आगे मीटर 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर किलो ये भी प्रीफिक्स ही है इसका सिंबल है स्मॉल के और इसका मल्टीपल है 10^3 जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर उसके पहले लगा दिया किलो ये बन गया किलोमीटर बड़ा यूनिट मीटर से यहाँ पर 1 लिखना और किलो के बजाय 10^3 लिखना और आगे मीटर लिखना ये हो गया रिलेशनशिप 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 × 10^3 मीटर मास का सीजीएस यूनिट है ग्राम ग्राम के पहले किलो लगा दिया तो ये ऐसा यूनिट बन गया तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलो के बजाय 10^3 लिखना और बाद में ग्राम लिखना किलो का मतलब कभी भी 10^3 ये ध्यान में रखना तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10^3 मीटर 1 किलोग्राम इक्वल टू 10^3 ग्राम उसके बाद में मेगा मेगा का मतलब मिलियन मिलियन का मतलब 10^6 उसका सिंबल कैपिटल एम और उसका मल्टीपल है 10^6 अब यहां पर अपन जैसे एक यूनिट लेंगे बाइट बाइट के पहले एम लगा दिया तो ये बन गया मेगाबाइट जो नेट वगैरह यूज करते हैं उनको मालूम रहता एम बी यानी मेगा बाइट एक्चुअल यूनिट है बाइट उसके पहले लगा दिया मेगा यहाँ पर 1 लिखना 1 मेगा बाइट इक्वल टू 10^6 बाइट मेगा का मतलब 10^6 जी क्या इसका सिंबल जी और इसका मल्टीपल है
10 to the power 9. अब जैसे byte के पहले g लगा दिया, ये बन गया gb, gb यानी gigabyte, और 1 gigabyte equal to 1 into 10 to the power 9 byte. और बहुत सारे तेरे capital T, इसका multiple है 10 to the power 12, byte के पहले T लगा दिया, TB, TB यानी disease नहीं, TB का मतलब terabyte, और 1 terabyte equal to 1 into 10 to the power 12 byte. तो ये जो आपने आज प्रीफिक्स है उनके सिंबल्स और उनके मल्टीपल्स लिए, ये दोनों टेबल आपको ध्यान में रखने के, तो आपको एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्शन करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये प्रीफिक्सेस और उनके मल्टीपल्स आपको ध्यान में रखने के है। देसी यानी एक बार रट लेना, पढ़ लेना, लिख के देखना, देसी यानी 10 टू द पावर माइनस 1, उसके बाद में सेंटी यानी 10 टू द पावर माइनस 2, मिली यानी 10 टू द पावर माइनस 3, उसके बाद में माइक्रो यानी 10 टू द पावर माइनस 6, नैनो यानी 10 टू द पावर माइनस 9, पिको यानी 10 टू द पावर माइनस 12, उसके आगे के नए भी ध्यान में रखें तो भी चलेगा, और इधर डेका यानी 10 टू द पावर 1, बाद में हेक्टो यानी 10 टू द पावर 2, किलो यानी 10 टू द पावर 3, मेगा यानी 10 टू द पावर 6, जीगा यानी 10 टू द पावर 9, और टेरा यानी 10 टू द पावर 12, बाकी अगले इसमें।